Malaysia, you must have a valid passport and to apply for a visa to go into Malaysia. Without these two, you cannot enter because Malaysian law is very, very strict. I know each and everything. I'm just asking for... we'll pay extra for that. No, no, no. I'm afraid I can't help you. I'm so sorry. Please take your way out. इश्ताक साहब क्या हाल है? ठीक हो? शुक्रिया, ठीक हूँ। ये हमारे साथ जाते हैं मेहरोज जी सर, इनको जरा डिपार्टमेंट दिखाइए और सबसे मुलाकात जी। बेहतर सर, मुझे बाबा शाबाश, आइए। माँ अच्छा हाँ, परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। देख आखिर हम जैसे बंदे मलेशिया कैसे पहुंचते होंगे? हैं? देख कुदरत ने हर मुल्क में अपने दो नंबर बंदे रखे हैं हम जैसों की मदद करने के लिए। अब तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए ढूंढ कर लाता हूँ। देखिए एक बात सुनिए। क्या? देख कुछ भी हो अपने मुल्क का नाम नहीं लेना। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से हमारे मुल्क की बदनामी हो। वो तो होगी मेरी जान। अब ये इश्क अम्बखा चीज ही ऐसी है, बाप दादा मुल्क फैमिली कौम कहीं कुछ ना कुछ बदनाम जरूर करती है, किसी ना किसी की नाक जरूर कटती है। फिर भी कोशिश कर, जारी है। पैसे देने बाबा उनको? ये कोई 30-35 हज़ार रुपए सर। बस 10-15 हज़ार रुपए सर उनके स्टाफ में भी बांटने होंगे। इश्तियाक साहब 50 हज़ार रुपए बनते हैं, देव 5 लाख का फोन क्यों करवा रहे हो मुझसे? ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म, मैं आधा बात लेता हूँ। वालेकुम सलाम। सुने जी सर, जो इनके लिए कुछ खाने पीने का भिजवा। जी बेहतर, चाय चाय भी भिजवाइए। जी बेहतर, चीनी है? चीनी जी बेहतर। अरे बाबा तुम इधर घूम रहे हो, कहीं और घूमने चले जाते, ये तो बड़ी खुश्क जगह है। हाँ सही, मैं इसी खुश्क जगह पे रहने आया हूँ, अब मैं यहीं काम करूँगा ना। हाँ बट पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा खर्च करने का मज़ा ज़्यादा होता है।
सर खपाने की क्या जरूरत है इधर? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने अकलमंदी की है? हालत देख रहे हो मेरी, अब यहाँ से पार्टी ऑफिस जाऊंगा, वहां से रात को पता नहीं किस वक्त घर जाऊंगा, सोने का भी बहुत थोड़ा टाइम मिलता है। क्यों अपनी आजाद जिंदगी को बांधना चाह रहे हो? मजे में जिंदगी गुजर रही है, कभी शिकार, कभी महफिल, खाना पीना सोना। बाबा थोड़ा ही मजा होता ना इस लाइफ में तो आज इस कुर्सी पे सारंग बैठा था। बाबा साहब जी भर गया है मेरा, जैसे आपका यहाँ से भर गया है ना इस जिंदगी से, वैसे मेरा जी वहां से भर गया है। बाबा दिल तो भरेगा ना जब आवारा गर्दियां करोगे तो, लेकिन इख्तियारात होंगे ना तो सिमटते जाओगे। बाबा साहब आप फिर गद्दी की बात करेंगे? सिर्फ गद्दी की नहीं है पुट, कुर्सी भी है वहां पे। तुम जानते हो कि मैं अगले साल इलेक्शन लड़ रहा हूं वहां की सीट से। सारी दुनिया को जिताते आए हैं हम आज तक, खुद हार जाएंगे क्या? लेकिन वो सीट मेरी नहीं तुम्हारी होगी, तुम्हारा इख्तियार होगा उस पे। मैं तो यहाँ कराची या इस्लामाबाद में पड़ा रहूंगा, उधर बैठक पे लोग तुम्हारे पास बैठे होंगे। और यहाँ क्या है, इस बिल्डिंग में 10 ऑफिस हैं, 10। तुम एक के मालिक बन जाओगे, 2 के बन जाओगे, 3 के बन जाओगे, बस कुछ भी नहीं है। इधर एक से एक बड़ा बढ़ावा है, इसीलिए मैं भी ये बिजनेस से पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा हूं। समझ में आई है कोई बात? नहीं बाबा सही, वो क्या है ना कि आप मेरे आइडियल हैं, तो मैं भी इसी रास्ते से जाऊंगा ना, पहले कारोबार और फिर सियासत। हाँ शाबाश, ठीक है बाबा। इश्तियाक साहब कुछ खाने पीने का कहा था मैंने, चाय। हाँ चाय, चीनी ज्यादा भेजना इसके लिए। समझते हैं? जी हाँ। आप इधर पोर्ट पे काम करते हैं? हाँ। सर वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपकी कुछ मदद चाहिए।